एकदम रेडी है, गैस कर देंगे ऑफ। आइए डिश आउट कर लेते हैं चिकन बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं निशा शेख, नबिया किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन दम बिरयानी, वो भी हैदराबाद स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, अच्छे से वॉश करके रखा है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गार्निश के लिए हरा धनिया, 1 बड़ा टमाटर, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने 10 से 12 काली मिर्च भी ऐड करी, इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। 1 छोटी कटोरी फुल भर के अचार, ये हरी मिर्च अचार है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, आम का, हरी मिर्च, नींबू, मिक्स अचार आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका यूज करिए। 1 छोटी कटोरी फुल भर के दही। तड़के के लिए लिया है गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, जायफल, जावित्री, स्टार, लौंग, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, 5 हरी मिर्चें, इसका मैं बारीक पेस्ट बना लेना है, 1 नींबू, तेजपत्ता। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें चिकन को। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने आधा यूज करा है, आधा हम इसके ग्रेवी में यूज करेंगे। ये मसाले ये भी सब हम इसमें ऐड कर देंगे, धनिया, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, नमक हमें थोड़ा यूज करना है, थोड़ा हम करेंगे ग्रेवी में, इसको भी मिक्स कर देंगे, थोड़ा हरा धनिया, दही, नींबू ले लेंगे, इसका जूस ऐड कर देंगे इसमें, हरी मिर्च लेंगे, ये थोड़ी दरदरी कूटली है हरी मिर्ची, इसका बारीक पेस्ट में बनाना है, ये मिक्सर ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं, पर मैंने इमाम दस्ते में यूज करा है क्योंकि इससे काफी अच्छी खुशबू हरी मिर्चों की आ जाती है और ये ज्यादा बारीक भी नहीं होती है। हरी मिर्च ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे इन सब चीजों को। मिक्स कर लिया चिकन को अच्छी तरह से, इसे कवर कर देंगे 2 घंटे के लिए, मैरिनेट कर लेंगे, 2 घंटे बाद इसको इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। 3 मीडियम साइज की प्याज है, इन्हें बारीक कट कर लिया है, इनको फ्राई कर लेंगे हम लाइट गोल्डन। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गई है लाइट गोल्डन, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन में ऐड कर देंगे थोड़ी सी प्याज, इसमें आधी प्याज ऐड कर देंगे और आधी हम रखेंगे गार्निश के लिए, ये मिक्स कर देंगे चिकन में, कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैरिनेट हो रहा है चिकन, जब तक हम हाफ बॉईल कर लेंगे चावलों को। इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर पानी एक बर्तन में, अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नमक 1 छोटा चम्मच, इसमें ऐड करेंगे 1/2 जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंगे, काली मिर्च ये भी थोड़ी लेंगे, 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लेंगे, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ये चावल ले लिए हैं 1 किलो और इसे मैंने 1/2 घंटे के लिए सोक करके रखा था, क्योंकि ये पक्का चावल है इसलिए मैंने इसको भिगोया है आधे से 1 घंटे के लिए। अब ये बनाने के लिए एकदम तैयार है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावलों को। चावल को हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता, इसमें खोलकर इसे मिक्स कर देंगे, जो इसका इसमें ऐड करें मसाले, ऑयल और सॉल्ट, इसके इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए चावलों में, इस तरह से मिक्स कर देंगे, बॉयल आने तक पकाएंगे इसे। बॉयल आना शुरू हो गया है, गैस को कर देंगे लो फ्लेम कर दिया है, अब इसे कवर करके चेक करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद में कि चावल हाफ बॉयल हुआ है या नहीं। हाफ बॉइल हो गए हैं चावल, एक बार और चेक कर लेंगे इसे, ये देखिए हाफ बॉइल हो गए, गैस ऑफ कर देंगे, इसे
बर्तन में निकाल लेंगे चावल को। एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालना है। ये वही बर्तन है इसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी, इसमें थोड़ा ऑयल भी है। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे खड़ा गरम मसाला, ये आधा मैंने चावलों में ऐड करा था, आधा हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे जिससे अदरक लहसुन का पेस्ट जले नहीं। 10 से 15 सेकंड की भुनाई कर लेंगे लो फ्लेम पर ही। इसमें ऐड करेंगे टमाटो, हम भुनाई कर लेंगे। हाई फ्लेम कर दिया गैस का, भुनाई हो गई टमाटर की। इसमें ऐड कर देंगे अचार, इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम सौटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इन सभी मसालों की भुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, ये 2 घंटे बाद मैंने इसको मैरिनेट करके निकाल लिया है। इसमें मैंने बीच में फ्राई करके प्याज भी ऐड करी थी। अब ये तैयार हो गया है बनाने के लिए 2 घंटे बाद। ये मैरिनेट वाला बर्तन है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके जितना इसमें मसाला रह गया था वो भी ले लिया है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से चिकन को, उसके जितने भी मसाले कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है चिकन, और फिर चेक कर लेंगे कि गला है या नहीं। 5 मिनट के बाद चिकन को चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं गलाना चिकन को, क्योंकि हमें बिरयानी में भी रखना है चिकन को, तो ज़्यादा नहीं गलाना आपको, बस थोड़ा ही चेक कर लेंगे कि इसको। ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे और ये चिकन ग्रेवी को एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी बर्तन में चावलों की तह बना के बिरयानी तैयार करेंगे। गैस कर देंगे ऑन। ये थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें रहने दिया है। चावल हाफ ले लिए हैं, हाफ चावल के हम बाद में कोटिंग करेंगे, चिकन की तह लगा लेंगे जो उसकी ग्रेवी है। एक तेल और लगा लेंगे चावलों की, दूसरी तेल लगाएंगे चिकन की। कोटिंग तैयार है चिकन की। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ ऑनियन, हरा धनिया, एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है, इसे कवर कर देंगे इस तरह से। स्टीम पे रखना है हमें चावल और गोश्त को, इसलिए इसको हल्का सा मैंने इस तरह से पेपर लगा लिया। अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा हल्का सा भिगो के वो भी ले सकते हैं। अब इसको ढक कर 5 मिनट के लिए बिरयानी को लो फ्लेम पर रखा है। 5 मिनट के बाद में चेक करेंगे, आइए चेक कर लेंगे 5 मिनट बाद। एकदम रेडी है, गैस कर देंगे ऑफ। आइए डिश आउट कर लेते हैं चिकन बिरयानी। डिश आउट कर लिए चिकन बिरयानी, देखिए काफ़ी मसालेदार और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ये, कि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद की जाएगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है चिकन बिरयानी। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं करा है क्योंकि ये काफ़ी ऐसे ही देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं करा। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नव्या किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि चिकन बिरयानी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।